लेक्चर वी विल गोइंग टू स्टडी डिलीट ऑपरेशन इन द डबल्यू लिंक लिस्ट एंड पॉलीनॉमल एडिशन ओके इन सिंगल लिंक लास्ट लेक्चर में हमने समझा था इन सर्ट ऑपरेशन ट्रेवर्स ऑपरेशन द डब्ल्यू लिंक नाउ इन दिस लेक्टैंड ऑपरेशन एंड डिफरेंट केसेज ऑफ डिलीट ऑपरेशन इन द डब्ल्यू लिंक लिस्ट तो स्टार्ट करते हैं नाउ फर्स्ट केस वी वांट टू डिलीट द नोड एज अ फर्स्ट नोड अगर हमें फर्स्ट नोड को डिलीट करना है तो क्या क्या -के केसेज होंगे दो केसेज आएंगे वैन देयर इज ऑनली वन नोड तो वही फर्स्ट नोड है हमारा वही लास्ट नोड है एंड वेन देयर आर मोर देन वन नोड तो उस केस में फर्स्ट नोड अलग होगा लास्ट नोड अलग होगा तो कंसिडर करते हैं पहला केस वेन देयर इज ओनली वन नोड इन द लिस्ट और हमें उसको डिलीट करना है हंड्रेड हंड्रेड फर्स्ट नोड के बैकवर्ड में नल और एक ही है तो उसके फॉरवर्ड में भी नल नाउ टेन अब सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट मुझे इसको डिलीट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करेंगे डिलीट ऑपरेशन में कहीं लिस्ट एम तो नहीं है बिकॉज अगर लिस्ट हमारी एम है सो वी कैन नॉट डिलीट एनी नोड बिकॉज कोई नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो हम क्या चेक करेंगे इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल

और अगर एक ही नोड है तो वही फर्स्ट नोड है आपका वही लास्ट नोड है तो क्या होगा स्टार्ट के फॉरवर्ड में अगर नल है इन दैट केस केवल एक ही नोड है तो हम क्या करेंगे जब इस नोड को डिलीट करेंगे तो सीधे स्टार्ट में नल डाल देंगे बट हमें एक बात हमेशा याद रखनी है इन सिंगल लिस्ट इन सर्कुलर लिंक लिस्ट हमने स्टडी किया था कि जब भी हम मेमोरी अलोकेट करते हैं यूजिंग मेलॉक और कैलॉक तो वी कैन डिलीट द मेमोरी वी कैन फ्री द मेमोरी अलोकेटेड बाई मैलॉक एंड कैलॉक यूजिंग फ्री फंक्शन तो जिस नोट को हम डिलीट कर रहे हैं पहले उसके एड्रेस को एक टेम्परे पॉइंटर में असाइन करेंगे फर्स्ट नोट को डिलीट कर रहे हैं तो फर्स्ट नोट का एड्रेस स्टार्ट में होगा नाउ आप क्या करेंगे फर्स्ट नोट को डिलीट कीजिए यानी स्टार्ट में क्या आ गया नल तो जैसे ही स्टार्ट में नल आया फर्स्ट नोट लिस्ट से हट गया लेकिन मेमोरी अभी भी है उस मेमोरी को मुझे फ्री करना है तो सिंपली फ्री फंक्शन का यूज़ कीजिए आप और फ्री के अंदर पी टी आर नाव ताकि लिस्ट एम लिस्ट में फर्स्ट नोड डिलीट भी हो गया और जो मेमोरी लोकेट थी वो भी फ्री हो गई तो हमें क्या करना है अगर स्टार्ट नल है स्टार्ट नल है तो लिस्ट एम पी है गो टू स्टेप लास्ट प्रोग्राम एंड कर दीजिए अगर फर्स्ट नोड डिलीट करना है और वही नोड है केवल एक ही नोट है तो स्टार्ट के फॉरवर्ड में नल होगा तो सिंपली पहले उस नोड के एड्रेस को पी टी आर में डालिए उस नोड को डिलीट कीजिए स्टार्ट को नल किया फिर ही पी टी आर तो ये था हमारा केस वेन देयर इज ऑनली वन नोड एंड वी वॉन्ट टू डिलीट द फर्स्ट नोड नाउ अब क्या है केस वी वॉन्ट टू डिलीट द फर्स्ट नोड एंड देयर आर मोर देन वन नोड इन द लिस्ट उसको समझ लेते हैं इस नोट को डिलीट करना है वी वॉन्ट टू डिलीट दैट नोट ओके वी वॉन्ट टू डिलीट फर्स्ट नोट इस नोट को हमें डिलीट करना है तो कहां कहां चेंज होगा जब ये फर्स्ट नोट डिलीट होगा तो स्टार्ट किसको पॉइंट करेगा जो अभी सेकेंड नोट है उसको क्लियर है जो अभी सेकेंड नोट है उसको तो कहां चेंज आएगा एल्स वाले पार्ट में समझ लेते हैं मुझे फ़र्स्ट नोट को डिलीट करना है तो सबसे पहले तो उसे टेम्प्रेरी पॉइंटर में असाइन कीजिए क्योंकि हमें मेमोरी फ्री करनी है नौ no. अब हमें क्या करना है स्टार्ट फिल पॉइंट टू द सेकेंड नोट अगर फर्स्ट नोट डिलीट हो जाएगा तो स्टार्ट में क्या आना चाहिए हंड्रेड की जगह टू हंड्रेड और टू हंड्रेड कहाँ स्टोर है हमारा टू हंड्रेड जो अभी फर्स्ट नोट है उसके फॉरवर्ड में ठीक है तो स्टार्ट को अपडेट करने स्टार्ट को अपडेट करने से पहले क्या करना है हमें स्टार्ट में टू हंड्रेड आना है तो स्टार्ट में 200 कैसे आएगा अभी स्टार्ट में क्या है 100 लेकिन 200 कैसे आएगा 200 हंड्रेड कहाँ है जो अभी फर्स्ट नोट है उसके फॉरवर्ड में तो स्टार्ट में आप कर दीजिए स्टार्ट एरो फॉरवर्ड समझ आया अभी स्टार्ट में जब तक फर्स्ट नोट का एड्रेस था जो अभी फर्स्ट नोट है तो हमें क्या करना है स्टार्ट में सेकंड नोट का एड्रेस लाना है सेकंड नोट का एड्रेस कहाँ पर है अभी जो फर्स्ट नोट है उसके फॉरवर्ड फील्ड में तो स्टार्ट एक क्वेश्चन स्टार्ट का फॉरवर्ड तो स्टार्ट में आगे टू हंड्रेड स्टार्ट इसको पॉइंट करने लगा अब द द फर्स्ट नोड एंड वॉट इज दू लिंक नल अभी ये second node था इस में था लेकिन जब ये फर्स्ट नोड बन जाएगा तो इसके बैकवर्ड फील्ड में क्या आएगा नल कैसे अब इस नोड का एड्रेस कहां पर है स्टार्ट में तो इसके बैकवर्ड में क्या आना है नल तो स्टार्ट के बैकवर्ड में स्टार्ट के बैकवर्ड में आ जाएगा नल यानी 200 के बैकवर्ड में आ गया नल तो 100 की जगह आ गया नल तो जब लिस्ट में एक से ज्यादा नोड है और मुझे फर्स्ट नोड को डिलीट करना है तो पहला केस जब लिस्ट में एक ही नोड है दूसरा केस जब एक से ज्यादा नोड है तब तो हम एल्स वाले पार्ट में क्या करेंगे स्टार्ट में टू लाना है स्टार्ट में स्टार्ट का नेक्स्ट कर दीजिए फॉरवर्ड एंड स्टार्ट के बैकवर्ड में नल नाव वेन वी वॉन्ट टू डिलीट अ लास्ट नोट अगर हमें लास्ट नोट को डिलीट करना है ठीक है अगेन फिर से वही केस देर आर मोर देन वन नोट इन द लिस्ट और देर इज ऑनली वन नोट इन द लिस्ट क्योंकि अगर केवल एक ही नोट है तो वही आपका फर्स्ट नोट है वही आपका लास्ट नोट है तो उसको कैसे समझेंगे हम जैसे अभी बिल्कुल किया था वैसे ही रहेगा लिस्ट एम है वो हमेशा चेक करना है ठीक है पहला पॉइंट चेक लिस्ट इज एम और नॉट क्योंकि अगर लिस्ट एम है तो हम डिलीट नहीं कर सकते चेक लिस्ट इज एम इसको चेक करेंगे अगर लिस्ट एम नहीं है तो क्या करेंगे लिस्ट कंटेन ओनली वन नोट चेक क्योंकि अगर एक ही नोट है तो वही फर्स्ट है वही लास्ट है ओनली वन नोट ओके वन नोट चेक करने का क्या तरीका है स्टार्ट का नेक्स्ट स्टार्ट का फॉरवर्ड कंटेन नल तो सिंपली जिस नोट को डिलीट करना है उसको लाइक टेम्प्रेरी पॉइंटर में लीजिए देन क्या करेंगे हम स्टार्ट को नल से निश्लाइज कर दीजिए क्योंकि लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी और एम्प्टी लिस्ट में नल कंटेन नल एंड फ्री पीटीआर क्लियर है यहाँ आ गया आपका नल जब एक से ज़्यादा नोट हैं और हमें लास्ट नोट को डिलीट करना है उस केस में क्या करेंगे और एक समझ लेते हैं एक से ज़्यादा नोड है और मुझे लास्ट नोड को डिलीट करना है इस नोड को मेरे पास एड्रेस है फर्स्ट नोड का मुझे जाना है लास्ट नोड के एड्रेस पर तो अगेन वही एल्स वाले पार्ट में ट्रैवर्स करना है हमको टाइम पॉइंटर ले लीजिए या पी आ, जो भी आप लेना चाहते हैं टाइम पेक्स टू स्टार्ट जब तक टाइम को मुझे यहाँ लाना है यानी टाइम कंटेंदर एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड लास्ट नोट की प्रॉपर्टी क्या होती है फॉरवर्ड फील्ड ऑफ द लास्ट नोट फॉरवर्ड पॉइंटर ऑफ द लास्ट नोट कंटेन नल तो जब तक जब तक मतलब वाइल टैम के फॉरवर्ड में नल नहीं है तब तक आप टैम को अपडेट करते रहिए नल तब तक क्या करना है टाइम इक्वल्स टू टैम का फॉरवर्ड तब तो तक टाइम में टैम का फॉरवर्ड करते रहिए तो देखिए ड्राई रन करा लेते हैं किसी भी एल्गोरिथम को समझने के लिए कोडिंग करने के लिए ड्राई रन जरूरी है टैम्प में इनिशियली आया हंड्रेड हंड्रेड हं। 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 का फॉरवर्ड हंड्रेड हं। का फॉरवर्ड क्या है टू हंड्रेड हं। नल है नहीं तो टाइम में क्या आ जाएगा टाइम पर खुद टाइम फॉरवर्ड टाइम में टू हंड्रेड आ गया अब टाइम यहाँ आ गया तो टू हंड्रेड का फॉरवर्ड नल है क्या नहीं थ्री हंड्रेड है फिर से लूप के अंदर जाएंगे यहाँ पर तो टैंप में क्या आ जाएगा 300 अब टैंप यहाँ पर आ गया अब फिर चेक कीजिए 300 का फॉरवर्ड क्या है नल कंडीशन फॉल्स आप लूप से बाहर आ गए लूप से बाहर आने के बाद टैंप में क्या है 300 अब मुझे इस नोट को डिलीट करना है जब ये नोट लास्ट नोट था तो इसके फॉरवर्ड में क्या था नल सिंपली सबसे पहले तो जिस नोट को डिलीट करना है उसको एक टेम्परेरी पॉइंटर में असाइन कर लीजिए पी टी आर इक्व फिर से एक और नौ अब मुझे क्या करना है अब मुझे टैम्प इस नोट को पॉइंट करना है ये नोट जब डिलीट होगा तो जो सेकेंड लास्ट नोट है वो क्या हो जाएगा लास्ट नोट यानी ये वाला लास्ट नोट बन जाएगा न्यू लास्ट नोट तो लास्ट नोट के फॉरवर्ड फील्ड में क्या आना चाहिए नल यानी मुझे क्या लाना है मुझे 200 के फॉरवर्ड में नल लाना है तो 200 के फॉरवर्ड में नल कैसे आएगा 200 के फॉरवर्ड में नल तो भाई ये तो मैंने समझने के लिए लिख दिया तो 200 लेकिन यहाँ तो हमें जनरलाइज करना है ना इसको वेरिएबल्स के थ्रू पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू 200 हंड्रेड कहाँ पर स्टोर है देख सकते हैं टैंप में 300 है 200 हंड्रेड कहाँ पर स्टोर है जो अभी लास्ट नोड है उसके बैकवर्ड में जो अभी लास्ट नोट है उसके बैकवर्ड में तो सिंपली क्या हो जाएगा टू हंड्रेड को हम कैसे लिख सकते हैं टैम्प का फॉरवर्ड टू हंड्रेड क्या है न, 300, का बैकवर्ड सॉरी देखिए यहाँ है ना टू हंड्रेड और थ्री हंड्रेड लास्ट नोट का एड्रेस है टैंप तो इसके बैकवर्ड में क्या है इसके बैकवर्ड में टू हंड्रेड है इसके बैकवर्ड में टू हंड्रेड है टैम्प के बैकवर्ड में टू हंड्रेड है. है तो टू हंड्रेड के फॉरवर्ड में क्या आना है नल तो 200 का डिनोशन टैंप एरो बैकवर्ड से होगा तो 200 की जगह टैंप एरो बैकवर्ड लिख दीजिए टैंप एरो बैकवर्ड 200 हुआ अब हमें जाना कहाँ है 200 के फॉरवर्ड में यानी टैंप एरो के टैंप बैकवर्ड के फॉरवर्ड में और यहाँ पे क्या हो जाएगा नल समझ आया पॉइंट आपको भाई हमें क्या करना है टैंप लास्ट नोट का एड्रेस किस में है टैंप में थ्री हंड्रेड अब सेकंड लास्ट नोट लास्ट नोट बन जाएगा तो सेकंड लास्ट नोट कौन सा है टू हंड्रेड जिसके फॉरवर्ड में क्या आएगा नल लेकिन मेरे पास तो लास्ट नोट का एड्रेस है यह इसका एडवांटेज है कि हम करेंट नोट से प्रीवियस नोट का एड्रेस को भी निकाल सकते हैं यहीं अगर सिंगल लिंक लिस्ट होता तो हमें एक टेम्प्रेरी पॉइंटर और लेके चलना पड़ता जो जब जब टैंप अपडेट होता उससे पहले प्रीवियस टैंप अपडेट होता लेकिन जब डबली लिंक लिस्ट है तो हमें कोई टेम्परेरी पॉइंटर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लास्ट नोट के बैकवर्ड फील्ड से प्रीवियस नोट का एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है तो टू हंड्रेड के फॉरवर्ड में नल आएगा टू हंड्रेड कहाँ पर है अभी तो लास्ट नोट है उसके बैकवर्ड में तो ये हो गया आपका पहले क्या करेंगे टैंप में स्टार्ट जब तक टैंप का फॉरवर्ड नल नहीं होता यानी टैंप में लास्ट नोड का एड्रेस नहीं आ जाता तब तक बढ़ाते रहिए इसको फिर पी को टैंप कर दीजिए फ्री करना है हमें इसको अब सेकेंड लास्ट नोट के फॉरवर्ड में यानी टू के फॉरवर्ड में नल टू लास्ट नोट के बैकवर्ड में है तो टैंप के बैकवर्ड के फॉरवर्ड में नल आ गया और लास्ट में फ्री कर दीजिए फ्री पीटीआर कर दीजिए फ्री टाइम कर दीजिए कुछ भी कर सकते हैं <coughs> तो ये हो गया आपका डिलीट अ नोड एज लास्ट नोड। जब एक से ज्यादा नोड है नाउ आप तीसरा और लास्ट केस कंसीडर कर लेते हैं व्हेन वी वांट टू गिव अ पोजीशन, वी वांट टू डिलीट अ नोड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। तो पहला केस जब पोजीशन वन है और केवल एक ही नोड है बिल्कुल अभी अभी डिस्कस किया था स्टार्ट में सीधा नल ले आएंगे जब पोजीशन वन है और एक से ज़्यादा नोड है इसको भी बिल्कुल अभी डिस्कस किया था यही वाला कोड हम रन करा देंगे टैम का फॉरवर्ड जब तक नल ना हो तब तक टैम को अपडेट करते रहिए फिर टैम के बैकवर्ड के फॉरवर्ड में नल डाल दीजिए तो ये वाला केस तो हो गया आपका किस चीज़ का जब पोजिशन वन है देर इज़ ऑनली वन नोड तब सिंपली स्टार्ट को नल कर देंगे इस नोड को डिलीट करना है तो यहाँ पे सीधा नल आ जाएगा इसको अभी हमने समझा था अगर एक से ज्यादा नोड है और पोजीशन वन है तब क्या करेंगे तब हम ट्रेवल्स करते हुए लास्ट नोड तक जाएंगे टैंप लास्ट नोड को पॉइंट करेगा सेकेंड लास्ट नोड अब लास्ट नोड बन जाएगा तो टैंप के बैकवर्ड में क्योंकि लास्ट नोड सेकेंड लास्ट नोड का एड्रेस कहाँ है यहाँ पर टैंप के बैकवर्ड में टैम के बैकवर्ड में, तो बैकवर में। यानी यहां आ गए अब हम तो टैम के टैम के बैकवर्ड में हम इस नोड पर आ गए अब इस नोड के फॉरवर्ड पे जाना है तो टाइम के बैकवर्ड के फॉरवर्ड में हम सिंपली क्या कर देंगे नल क्लियर है तो ये वाला केस हो गया जब मोर देन वन नोड है वी वांट टू डिलीट ओनली पोजीशन वन नोड नाउ अगर एक से ज्यादा नोड हैं क्लियर है पोजीशन हमारी ग्रेटर देन वन है अब क्या करेंगे हम उसको समझ लेते हैं सपोज आई वॉट टू डिलीट दिस नोट सेकेंड नोट को मुझे डिलीट करना है मुझे सेकेंड नोट को डिलीट करना है यानी ट्रैवर्स करके मुझे सेकेंड नोट तक पहुंचना है यानी मुझे ट्रेवर्सिंग करनी है तो ट्रेवर्सिंग करनी है तो टाइम नोट को हम निश्लाइज करेंगे टाइम नोट को निश्लाइज कीजिए टाइम में आ गया स्टार्ट ठीक है टाइम यहां से चलेगा फर्स्ट नोट से तो टेम में क्या आ गया हंड्रेड अब जब पोजीशन वाला क्वेश्चन है तो हम एक आई वेरिएबल लेके चलेंगे जो पोजीशन को कंट्रोल करेगा ठीक है तो आई वन लेके चलिए ठीक है आई जब वन है तब टेम में हंड्रेड है मुझे टू हंड्रेड लाना है यानी एक बार लूप में और जाना पड़ेगा क्योंकि तो मैं क्या करूंगा हर बार टैम को टैम का फॉरवर्ड करूंगा तो टाइम को टाइम का फॉरवर्ड करूँगा तो मुझे क्या करना होगा मुझे एक लूप लेना होगा जिसमें मैं पोजीशन कंट्रोल करूँगा पोजीशन है मेरी पोजीशन वेरिएबल पोजीशन है मेरी टू तो कब तक चलेंगे हम आई लेस देन पोजीशन तक जाएंगे आई लेस देन इक्स टू पोजीशन तक जाएंगे समझ लेते हैं जब आई वन था टैम्प में हंड्रेड था ठीक है अब मैं एक बार और लूप में जाऊंगा पोजीशन मेरी टू है तो जब एक बार और लूप में जाऊंगा तो वन देन टू पोजीशन यानी वन लेस देन टू अगर मैं लिखूंगा तभी मैं लूप में जा पाऊंगा अगर मैंने लिखा वन लेस देन पोजीशन माइनस वन तो मैं लूप में नहीं जा पाऊंगा क्लियर है तो हम लिखेंगे आई लेस देन पोजिशन तो क्या होगा जैसे आई लेस देन पोजिशन हुआ temp में temp का फॉरवर्ड यानी अब temp में क्या आ जाएगा temp में आ जाएगा आपका temp का फॉरवर्ड यानी 200 और आई क्या हो जाएगा आई को भी अपडेट करना है मुझे आई इक्वस टू आई प्लस वन आई में आ गया टू temp में आ गया 200 हंड्रेड टू लेस देन टू कंडीशन फॉल्स आप लूप से बाहर आ गए जैसे ही आप लूप से बाहर आए लूप से बाहर आने के बाद आपके टैंप में क्या है लूप से बाहर आने के बाद हमारे टैंप में टू हंड्रेड है आप कैसे करेंगे इसको मुझे सेकेंड नोट को डिलीट करना है क्लियर है तो सेकेंड नोट का एड्रेस किस में है टैंप में तो सबसे पहले जिस नोट को डिलीट करना होता है उसको पी में लीजिए क्योंकि मुझे मेमोरी फ्री करानी है अब जब ये सेकेंड नोट डिलीट होगा तो कहाँ कहाँ चेंज होंगे तो जब सेकंड नोड डिलीट होगा तो जो अभी थर्ड नोड है वो सेकंड नोड बन जाएगा और क्या चेंज होगा तो यही नहीं कहाँ कहाँ चेंज होगा जो अभी थर्ड नोड है वो सेकंड नोड बन जाएगा तो कहाँ कहाँ चेंज होगा देखिए ये फर्स्ट नोड है ये जो सेकंड नोड अभी करेंगे सेकेंड नोड है इसको डिलीट कर देंगे पहले इसको पॉइंट कर रहा है लेकिन जब मैंने इसको डिलीट किया ठीक है तो अब कहाँ चेंज होगा अब ये फर्स्ट नोड क्या इस नोड को पॉइंट करेगा जिसको डिलीट किया है नहीं इसके डिलीट होने के बाद जो अभी थर्ड नोड था वो सेकंड नोड बन जाएगा तो ये ये फील्ड अभी जो फर्स्ट नोड है इसका फील्ड किसको पॉइंट करेगा जो सेकेंड नोड बनने वाला है उसको यानी इसका फॉरवर्ड फील्ड फर्स्ट नोड का हंड्रेड का फॉरवर्ड फील्ड किसको पॉइंट करेगा थ्री हंड्रेड को तो यहां पे थ्री हंड्रेड आना चाहिए क्लियर है और क्या चेंज होगा जो अभी थर्ड है वो सेकेंड बन जाएगा तो वो फर्स्ट को पॉइंट करेगा यानी जो तो अभी थर्ड नोड है वो सेकंड बनने वाला है तो इसके बैकवर्ड में किसका एग्रेस आएगा इसके बैकवर्ड में इस नोड का एग्रेस आएगा यानी यहाँ पे आना चाहिए हंड्रेड और यहाँ पे आना चाहिए थ्री हंड्रेड क्लियर है हंड्रेड और थ्री हंड्रेड आना चाहिए तो कैसे होगा तो देखिए समझ लेते हैं बड़े आराम से टैंप में है मेरा टू ठीक है मुझे कहाँ कहाँ चेंज करना है टू के फॉरवर्ड में थ्री हंड्रेड आना है ठीक है और थ्री हंड्रेड के बैकवर्ड में हंड्रेड आना है तो ये मुझे कैसे मिलेंगे थ्री हंड्रेड कहाँ हैं टाइम के फॉरवर्ड में और हंड्रेड कहाँ हैं टाइम के बैकवर्ड में तो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो मुझे थ्री हंड्रेड के थ्री हंड्रेड के बैकवर्ड में थ्री हंड्रेड के बैकवर्ड में क्या लाना है हंड्रेड हंड्रेड के बैकवर्ड में हंड्रेड लाना है थ्री हंड्रेड कहां पर है टैम्प के फॉरवर्ड में तो के फॉरवर्ड के बैकवर्ड में टैम्प के फॉरवर्ड के बैकवर्ड में यानी यहां पर हंड्रेड आना है हंड्रेड कहां पर है इस टैंप के बैकवर्ड में थ्री हंड्रेड के बैक टू हंड्रेड के बैकवर्ड बैक में, में तो है और टू हंड्रेड कहां पर है टैंप में तो टैंप के बैकवर्ड में क्लियर है तो यहाँ पे तो आ गया 100 और दूसरा चेंज कहाँ होगा 100 के फॉरवर्ड में क्या आना है 300 100 के फॉरवर्ड में तो 100 का फॉरवर्ड 100 के फॉरवर्ड में आना है 300 क्लियर है तो 100 का फॉरवर्ड 100 कहाँ है टैम्प के बैकवर्ड में भाई यहीं तो है हंड्रेड टैम्प के बैकवर्ड में टाइम के बैकवर्ड के फॉरवर्ड में 300 हंड्रेड आना है थ्री हंड्रेड कहाँ पर है टैंप के फॉरवर्ड में समझ आ गया टैंप के बैकवर्ड के फॉरवर्ड में टैंप का फॉरवर्ड तो यहां पे आ जाएगा 300 तो ये था लॉजिक हमारा डिलीशन का लास्ट नोट पर्टिकुलर पोजीशन क्लियर है जब एक से जब पोजीशन ग्रेटर देन वन है नाउ यहीं पे हमारा डब्ल्यूल इंग्लिश फिनिश होता है डब्ली इंग्लिश में हमने इंसरसन समझा कवरसिंग समझा डिलीशन समझा अब एक एप्लीकेशन जो बहुत मोस्टली पूछा जाता है वो है आपका पोलिनोमल एडिशन यूजिंग सिंगल लिस्ट पोलिनोमल एडिशन ये एप्लीकेशन है सिंगल लिस्ट का पोलिनोमल समझ लेते हैं पहले पोलिनोमल में दो चीज़ें होती हैं इसका स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन स्ट्रक्ट पॉली एक तो कॉफी होता है जैसे थ्री कॉफी हो गया टू कॉफ़ी हो गया फोर कॉफी हो गया ठीक है, एंड एक एक्सपोनेंट एक 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 मतलब पावर एक्स एक क्यू एक्स स्क्वायर एक्स एक की पावर वन ये सब को एक्सपोनेंट हो गए और एक लिंक तो जो नेक्स्ट नोट का एड्रेस रखेगा यानी हर एक टर्म को हम एक नोट से डिनोट दि दि, करेंगे पॉलीनोमियल की हर एक टर्म को हम एक नोट से रिप्रेजेंट करेंगे तो उस नोट के तीन पार्ट होंगे कोफिशेंट यानी यहां पे स्टोर होगा अगर थ्री एक्स क्यू की बात करता हूँ मैं कोफिशियंट क्या है थ्री एक्सपोनेंट पावर क्या है थ्री एंड एड्रेस एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड यानी इस टर्म को जिसमें स्टोर करेंगे जिस नोड में उस नोड का एड्रेस तो यहाँ हमने क्या किया पॉलीनोमियल के हर एक टर्म को रिप्रेजेंट किया नोड से और नोड किसका पार्ट है सिंगल लिंक लिस्ट का सिंगल लिंक लिस्ट के थ्रू हम कर रहे हैं इसको तो देखिए इसमें कितने लिस्ट बनेंगे तीन लिस्ट बनेंगे एक पॉली वन जो पहले एक्सप्रेशन को स्टोर करेगा पॉली टू जो दूसरे एक्सप्रेशन को स्टोर करेगा पॉली थ्री जो रिजल्ट को स्टोर करेगा एडिशन को ठीक है जो एडिशन को स्टोर करेगा तो एडिशन को स्टोर करने के लिए क्या होता है कब हम एडिशन करते हैं दो टर्म का जब इनके ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट होता है जब पहले पॉलिनोमल का एक्सकोफिशेंट सॉरी एक्सपोनेंट पहले पॉलीनोमियल के पहले टर्म का एक्सपोनेंट दूसरे पॉलीनोमियल के पहले टर्म के एक्सपोनेंट के बराबर है तब हम क्या करेंगे जैसे सपोज होता थ्री एक्स क्यू प्लस फोर एक्स क्यू तो हम इसको ऐड करते हैं क्योंकि इनके दोनों के एक्सपोनेंट सेम है तो यानी जब एक्सपोनेंट सेम होते हैं तभी हम उनके कोफिशेंट को ऐड करते हैं लेकिन अगर एक्सपोनेंट सेम नहीं है तो जिस पोलिनोमल का एक्सपोनेंट ज़्यादा है उसको रिजल्टेंट लिस्ट में स्टोर करते हैं क्लियर है तो थ्री एक्स क्यू प्लस थ्री फोर एक्स क्यू को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा आएगा आंसर सेवन एक्स क्यू लेकिन अगर थ्री एक्स क्यू और टू एक्स क्यू टू एक्स एक्वायर को ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा थ्री एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर यानी जिस पॉलिनोमल के टर्म का एक्सपोनेंट ज्यादा एक्सपोनेंट ज्यादा है उसको पहले स्टोर करेंगे रिजल्टेंट लिस्ट में और दूसरे जिसका एक्सपोनेंट कम है उसको बाद में स्टोर करेंगे क्लियर है नाउ no. अब देखिए इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं जल्दी से ये हंड्रेड हो गया सपोज ये रिप्रेजेंटेशन है नल पहला टर्म थ्री एक्स क्यू यहां पे एक फील्ड और आएगा ठीक है तो ये हो गया आपका आ, थ्री एक्सपोन कोफिश एंक्ट आएगा पहले फिर एक्सपोनेंट आएगा फिर एड्रेस आएगा एड्रेस सपोज टू हंड्रेड है ठीक है अब इसी तरह से आप रिप्रेजेंट करते रहेंगे तो यहां पे क्या आएगा अब आपका 100 यहां पे आया आपका दूसरे टर्म के लिए 2 और 2 और यहां पे आ गया आपका 300 300 में क्या आएगा 200 हंड्रेड ये हो गया आपका कोफिशेंट देन एक्सपोनेंट है इसका 1 नेक्स्ट नोट का एक जैसा है फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड इसमें क्या आएगा थ्री हंड्रेड इस टर्म को स्टोर करेंगे जिसका एक्सपोनेंट तो है कोफिशिंग तो है टू एक्सपोनेंट है जीरो इसी तरह से इसको लेंगे हम जब इसको लेंगे किसी एक नोट को स्टोर कर लेते हैं कंपेरिजन बता देंगे फिर यहाँ पे सपोज सिक्स हंड्रेड है तो सिक्स हंड्रेड है तो क्या आएगा नल क्लियर है यहाँ पे आ गया आपका कोफिशेंट एक्सपोनेंट और नेक्स्ट नोट का एड्रेस सेवन हंड्रेड यहाँ आ गया सेवन हंड्रेड इसी तरह यहाँ आ गया सिक्स हंड्रेड इस टर्म को लेंगे टू एक्सपोनेंट है वन नेक्स्ट नोट का एड्रेस है एट हंड्रेड एट हंड्रेड को लिया सेवन हंड्रेड कोफिशेंट है वन एक्सपोनेंट है जीरो तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं जब तक दोनों लिस्ट में एलिमेंट हैं तब तक हम ऐड करते रहेंगे यानी जब तक तीन टेम्परे पॉइंट लेंगे पीटीआर वन स्टार्ट वन के लिए रहेगा पीटीआर टू स्टार्ट टू के लिए रहेगा और पीटीआर थ्री रिजल्टेंट लिस्ट के लिए रहेगा ठीक है क्योंकि तो हमें ट्रेवल्स करना है जब तक दोनों लिस्ट में एलिमेंट है तब तक दोनों को कंपेयर करेंगे तो वाइल जब तक पीटीआर वन भी नल नहीं होता और आपका पीटीआर टू भी नल नहीं होता टू भी नल नहीं है तो हम क्या करेंगे सबसे पहला केस अगर पीटीआर वन का एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट से ही कंपेयर करते हैं ग्रेटर है पीटीआर टू के एक्सपोनेंट से पीटीआर टू के एक्सपोनेंट से तो हमें क्या करना है हमें सिंपली पीटीआर वन के एक्सपोनेंट को पीटीआर रिजल्टेंट लिस्ट में डाल देना है तो क्या होगा पीटीआर थ्री के एक्सपोनेंट में आ जाएगा पीटीआर वन का एक्सपोनेंट ठीक है क्लियर है और जिसका कॉपी हुआ है एक्सपोनेंट जिसका टर्म जिस लिस्ट का टर्म कॉपी हुआ है उसका पॉइंटर बढ़ जाएगा पी टी आर वन इक्वल्स टू पी टी आर वन एरो फॉरवर्ड लेकिन अगर पी टी आर टू का एक्सपोनेंट ज्यादा है पी टी आर टू का एक्सपोनेंट ज्यादा है तो हम क्या करेंगे पी टी आर टू का एक्सपोनेंट ग्रेटर है पी टी आर वन के एक्सपोनेंट से सिंपली क्या करना है सिंपली पी टी आर थ्री के एक्सपोनेंट में पी टी आर थ्री के एक्सपोनेंट में क्या कर देंगे कॉपी कर देंगे पी टी आर टू का एक्सपोनेंट पी टी आर टू का एक्सपोनेंट क्लियर है और जिसका एक्सपोनेंट जिसका टर्म कॉपी किया है और एक टर्म और एक्सपोनेंट तो कॉपी कर दिया कॉफिशेंट भी रहना है तो ऊपर भी लिख लीजिएगा पी टी आर थ्री के कॉफी में एक और ऐड हो जाएगा पी टी आर वन का कॉफी ये रह गया था दो पार्ट होते हैं ठीक है इसी तरह पी टी आर थ्री के कॉफी शेंकट में पीटीआर टू का कॉफी और क्या होगा जिसको कॉपी किया है तो हमको उसको अपडेट कर देंगे पी टी आर टू इक्वल्स टू पी टी आर टू इक्वल्स टू पी टी आर टू का फॉरवर्ड और लास्ट केस रह गया जब लास्ट केस रह गया जब आपका दोनों के एक्सपोनेंट सेम है ठीक है उसको समझ लेते हैं जब दोनों के एक्सपोनेंट सेम है यानी टू एक्स स्क्वायर और थ्री एक्स स्क्वायर तो यहाँ क्या होगा अगर पहले टर्म का एक्सपोनेंट दूसरे टर्म के एक्सपोनेंट के बराबर है तो दोनों के कॉपी ऐड हो जाएंगे और किसी भी एक टर्म का एक्सपोनेंट कॉपी हो जाएगा तो इसी तरह से आप कॉपी करते रहेंगे अगर मान लीजिए ये लिस्ट पहले एंग हो गई और इस लिस्ट का एक टर्म बचा तो हम जिस लिस्ट के टर्म रह गए हैं उसको एज एड रिजल्ट एंक लिस्ट में कॉपी कर देंगे यानी पी टी आर टू के रह गए तो पी टी आर टू को पी टी आर थ्री में डाल देंगे पी टी आर वन के कंटेंट रह गए तो पी टीआर वन के कंटेंट को लिस्ट में डाल देंगे तो ये था हमारा पॉलिनोमल एडिशन तो अभी हमने क्या समझा डब्ल्यू लिंक लिस्ट का डिलीशन, फर्स्ट लास्ट पर्टिकुलर पोजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट पोलिनोम एडिशन तो यहाँ पे हमारा लिंक लिस्ट का कंसेप्ट खत्म होता है थैंक यू